यूपी में उपचुनाव है और उपचुनाव से पहले बीएलओ विवाद बढ़ गया है। एसपी का आरोप है कि मुस्लिम यादव बीएलओ हटाए गए हैं और जानबूझ के ऐसा किया गया। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा है, आरोप लगाए हैं जाति देखकर अधिकारी हटा सकते हैं, जाति देखकर आम आदमी नहीं फंसा सकते, ये सवाल किया है अखिलेश यादव ने एक्स पर, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और ये सवाल किया है कि, और पूरी लिस्ट बाकायदा जारी हुई है जिसमें ये कहा गया है। अब आपको सुनाते हैं कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कह रही है। मिर्जापुर मगवा विधानसभा में यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से इस तरह से बीएलओ का नाम काट करके, मुसलमानों का नाम, यादव का नाम, मौर्य का नाम काट करके और दूसरे अन्य जातियों का नाम जुड़ा जा रहा है, इससे चुनाव निष्पक्ष होने में बहुत दिक्कत है। ये लोग इस तरह से मान सकता है, हम इसका पूरा विरोध करेंगे, चुनाव आयोग की लिखेंगे और चुनाव से कहेंगे कि एक लोकतांत्रिक देश में या जात बिरादरी कौन सी बात है, हर आदमी बन सकता है, ये लोग हर आदमी बन सकता है, जो जात किसी जात का हो, ये कोई तरीका तो नहीं। सरकार सरकार के दबाव में आकर यहाँ के अधिकारी लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, हम लोग इसका पूरा विरोध करते हैं। और आइए आपको बता रहे हैं कि योगी सरकार पर एसपी का आरोप क्या क्या है। मुस्लिम बीएलओ हटाकर गैर मुस्लिम बीएलओ नियुक्त किए जा रहे हैं। मिर्जापुर के मझवा सीट पर 11 मुस्लिम बीएलओ हटाए गए। कानपुर की भी बात कही गई है जिसमें सूची है कि कानपुर की सिसामाऊ सीट पर 98 मुस्लिम बीएलओ हटाए गए हैं और मुरादाबाद के जो कुंदरकी में भी गैर मुस्लिम बीएलओ की नियुक्ति की गई है। बीजेपी अपने समर्थक कर्मचारियों को नियुक्त कर रही है, ये सीधा सीधा आरोप समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, बीएलओ विवाद पर यूपी चुनाव आयोग का जवाब सामने आया है। उपचुनाव से पहले बीएलओ हटाने के निर्देश नहीं है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया, चुनाव पंजीकरण अधिकारी फैसला लेते हैं। इस पूरे मामले पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पत्र नहीं मिला है, ऐसा मामला आता है तो जांच कराई जाएगी। और पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, उपचुनाव से एन पहले ये बहुत बड़ा विवाद सामने आ गया है जिसमें समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है कि अपने समर्थित कर्मचारियों को लगाया जा रहा है, उनकी नियुक्ति की जा रही है और जानबूझकर मुस्लिम और यादव कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। देखिए, इसके पीछे का जो तर्क है वो ये कहा जाता है आमतौर पर कि उपचुनाव जो होता है वो सरकार का चुनाव होता है, यानी सरकार को उसका एडवांटेज मिलता है जो भी पार्टी सत्ता में होती है। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, समाजवादी पार्टी ने 5 अलग अलग विधानसभा सीटों, जैसा आप बता रही थी कि मुरादाबाद में कुंदरकी है, भदोही में मझवा है, अम्बेडकर नगर में कटहरी है, कानपुर में सिसामऊ है, इन सब विधानसभा सीटों के लिस्ट की वहाँ कौन कौन से बीएलओ जो खास तौर से दो जाति और समुदाय के हैं, मुस्लिम और यादव, बीएलओ को हटा करके दूसरे लोगों को रखा गया है। इस बात की शिकायत दिल्ली में चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने की। यहाँ लखनऊ में मुख्य चुनाव अधिकारी से शिकायत यहाँ के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने की है। यहाँ पर उन लोगों का ये कहना है कि जानबूझ कर ऐसा किया जा रहा है, बीएलओ जो है वो वोटर लिस्ट बनाने का काम करते हैं, वो घटाने का और जोड़ने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के जो समर्थक वोटर हैं उनकी लिस्ट, उनका नाम इस लिस्ट से काटा जा सकता है, इसीलिए इस तरीके के, यानी मुस्लिम और यादव बीएलए को हटाया जा रहा है, जिसके बारे में मुख्य चुनाव अधिकारी जो नवदीप रेणुआ हैं उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव आयोग से उनके पास कोई ऐसा डायरेक्टिव नहीं आया है और जो लोग भी हटाए गए हैं वो ज़िले में जो डीएम होते हैं उन्होंने जो उचित समझा होगा वो किया होगा। बड़ी जानकारी दे रहे हैं पंकज, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं और समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया है बीएलओ को लेकर कि यादव और मुस्लिम को जानबूझकर हटाया जा रहा है, उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही और बीजेपी समर्थित कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही है।